दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे कि हमने PFMS से जो वेंडर को या दुकानदार को पेमेंट करनी है तो उसका वाउचर कैसे निकालें, कैसे प्रिंट उसका निकालें। और हमने उसको मेकर आईडी में बना दिया है, अब उसको चेकर आईडी में पहले उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करना सीखेंगे इस वीडियो के द्वारा मेकर आईडी से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें जो चेकर का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हमने PFMS में लॉगिन करना है दोस्तों। तो PFMS से आपने लॉगिन करने के बाद आपका जो है स्कूल का की साइट आ जाएगी साथियों, ठीक है। तो उससे पहले आपने क्या हुआ, मेकर में जाके आपने बिल जनरेट किया हुआ है, अप्रूवल के लिए सेंड किया हुआ है, तो उसे हमने अप्रूव करना है इस वीडियो के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं नीचे। तो इसमें देखिए आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं इधर, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक्सपेंडिचर में। कहाँ पे जाएंगे, ये एक्सपेंडिचर का है हमारे पास, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करके देख लेते हैं साथियों क्या आएगा। तो इसमें देखिए नीचे आएगा कुछ, तो जब हमने एक्सपेंडिचर को क्लिक किया तो हमारे पास देखिए ये आ गया है, जैसे हमने इसमें जाना है अप्रूव में, ठीक है, क्योंकि हमने अप्रूव करना है, ठीक है। अगर हमने पहले से अप्रूव किया हुआ है कोई तो उसको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम अप्रूव करना है हमने इसको अब, तो हम अप्रूवल पे दबा आ गया है। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे स्कीम को, हरियाणा समग्र शिक्षा, ठीक है, HR 187 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने सर्च करना है, बस जो हमने करना है ना तो करना है साथियों। तो हम क्या करें, ये सर्च कर लेते हैं, जो सर्च का बटन है ना आपके पास, तो इसको हमने दबाना है अब, तो इसको दबा लेते हैं। तो हमारे पास देखिए अब एक बिल आ गया है ये, तो इसको हम दबा देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये बिल जनरेट हो चुका है, इसको हमने अप्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखिए आपके पास है अप्रूव और रिजेक्ट, तो आपने अप्रूव भी कर सकते हो यहाँ से, रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने अप्रूव करना है, जैसे आप चेक कर लीजिए भी ये ठीक है जिसको हमने पेमेंट करनी है ये, तो और आपने चेक करके यहाँ पे अगर सही लगा आपने तो आप यहाँ पे ओके लिख दीजिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ पे आपके पास देखिए अप्रूव का ऑप्शन भी है, रिजेक्ट का भी है, कैंसिल का भी है, तो आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने अप्रूवल देनी है इस बिल को तो अप्रूव कर दीजिए, तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देते हैं। और ये आ गया जैसे आपके पास प्रिंट पेमेंट एडवाइस, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इसको, जब आप दबाओगे ना तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए आपके पास पॉपअप जो है एनेबल होना चाहिए, पॉपअप आना चाहिए, तब ये प्रिंट होगा आपके इसमें, नहीं तो फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से इस प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसको दबा के देख लेते हैं, तो ये देख लेते हैं हमारे पास इसमें भी आ जाता है, ये कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा।